एग्री एजुकेशन में आप सभी का स्वागत है। आज हम लोग पढ़ेंगे हार्टिकल्चर का जो हमारा थर्ड लेक्चर है। इस लेक्चर में जितने भी क्वेश्चन लाए गए हैं सभी सिलेक्टिव क्वेश्चन हैं जो एग्रीकल्चर टीए में गन्ना पर्यवेक्षक में पिछली परीक्षाओं में पूछे गए हैं। चलिए शुरू करते हैं। हमारा पहला क्वेश्चन है अमरूद का कौन सा भाग खाया जाता है। तो अमरूद का खाया जाने वाला भाग कौन सा है, पेरिकार्प है और थैलेमस है। देखते आम की आम्रपाली किस्म के प्रति हेक्टेयर, जो आम्रपाली वैरायटी है आम की, इसमें जो प्रति हेक्टेयर पौधे की जरूरत कितनी होती है, तो 1600 कितना 1600 पौधे लगते हैं एक हेक्टेयर में। और विश्व के फलों उत्पादन में भारत का योगदान है तो कितना, 11% जो है फ्रूट प्रोडक्शन जो है कह सकते हो इंडिया में होता है पूरे विश्व का। कौन सा शहर बागों का शहर के नाम से जाना जाता है, तो बागों के शहर के रूप में जाना जाने वाला कौन सा है, लखनऊ है। क्लाइमेट्रिक फल है क्या, आप सीधे से समझ लीजिए, ऐसे फल जो तोड़ने के बाद तेजी से पकते हैं, जिसे मान लो अभी वो पके नहीं है, उनकी तोड़ाई हो जाती है तो उसके बाद आप रख देते हो, फिर पकाते हो पक जाते हो, तो ऐसे फलों को आप किसकी श्रेणी में रखते हो, तो क्लाइमेटिक फ्रूट की श्रेणी में रखते हो। इसमें मुख्य रूप से आम है, केला है और भी आप जानते ही हैं। चलिए देखते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। हमारा अगला क्वेश्चन है उच्च लवण सहिष्णु फल वृक्ष हैं, यानी जो साल्ट टॉलरेंस के रूप में जो कह सकते हो जो फ्रूट है कौन कौन जाने जाते हैं, खजूर और फालसा। यानी खजूर और फालसा कह सकते हो लवण सहिष्णु जो साल्ट टॉलरेंस, ऐसी भूमियाँ जिसमें साल्ट की मात्रा ज़्यादा पाई जाती वहाँ पे इनको उगाया जा सकता है। केले का फल है क्या है, ट्रिप्लॉयड है। अब बीज रहित तरबूज कैसा है, ये भी क्या है, ट्रिप्लॉयड है मतलब त्रिगुणित, यानी इसमें क्रोमोजोम संख्या तो क्या होती है, जिसे इसमें 3n की बात होती है, किसकी बात होती है, 3n। और डिप्लॉयड में क्या होती है, 2n की बात होती है। अगर टेट्राप्लॉयड की बात हो जाए तो 4n की बात होती है, ठीक है। चलिए देखते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। हमारा अगला क्वेश्चन है टमाटर फल है क्या है, क्लाइमेट्रिक है, यानी अगर आप इसको टमाटर को फल की श्रेणी में रखा गया है, यदि आप इसको मतलब पकने से पहले तोड़ लेते हो तो भी इसको पकाया जाता है, पक जाता है। पात गोभी जिसे कैबेज कहते हो, पात गोभी का बीज क्या कहलाता है, सिलकुआ कहलाता है। सिलकुआ शायद आप पढ़े होंगे एग्रोनॉमी में, जो ब्रेसिक जो कह सकते क्रूसीफेरी जो कुल की एक, जैसे आप बोलते हो ना सरसों, उसके भी फल को कहते हैं। इसके बाद देखते हैं अगले क्वेश्चन की। हमारा अगला क्वेश्चन है फूल गोभी में ब्लांचिंग किया जाता है, ब्लांचिंग देखो जल्दी पकने वाली जाति के कार्ड के ऊपर पत्तियां ढककर ना बांधना, यानी जो फूल गोभी होती है जो उसका कार्ड उसमें बना रहता है सफ़ेद सा, तो उसके ऊपर जो पत्ते से बांध दिया जाता है जिससे प्रकाश द्वारा वो खराब ना हो। फूल गोभी में पिकिंग क्या है, तो फूल गोभी में पिकिंग जो है कार्ड जब गुलाबी दिखता है तो उच्च प्रकाश तीव्रता के कारण, कैसा दिखता है, उच्च प्रकाश तीव्रता के कारण जो कार्ड कैसा दिखता है, गुलाबी दिखता है। फिर उसके बाद अगले क्वेश्चन की बात करें तो खुबानी के पौधे लगाने का क्या उचित समय है, दिसंबर से जनवरी है। देखते हैं अधिकतर फलों का रस परिरक्षित करने में सोडियम बेंजोएट की जो सांद्रता है कि मतलब कितनी मिलाई जाती है, तो 1-5% जो है मिलाई जाती है, यानी फ्रूट प्रिजर्वेशन के लिए उसमें जो उसका रस प्रिजर्वेशन की बात हो जाए तो हम 1-5% सोडियम बेंजोएट की मात्रा मिलाते हैं। करौंदा का प्रवर्धन किया जाता है तो बीज द्वारा। और किस फल को उष्णकटिबंधीय जलवायु का सेब कहते हैं, तो अमरूद को, किसको कहते हैं, अमरूद को। और गरीबों का सेब भी अगर देखा जाए, इस प्रकार से टमाटर को बोलते हो ना सब्जियों में। और नींबू प्रजाति के फलों के फटने का क्या कारण है, तो तांबे की कमी है। किसकी कमी होती है, अगर नींबू प्रजाति के फल में जो क्रैकिंग आ जाती है तो उसका मुख्य कारण क्या है, उसमें कापर की, जिसे जो तांबा होता है ना, जिसे कापर कहते हो, उसी की कमी देखी गई है।
आइए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। 10 वर्ष पुराने आम के बगीचे में कौन एक अंतः सस्यन की तरह उगाया जाता है? तो हल्दी। उसके बाद कौन सी फसल केले में अंतः सस्यन के लिए सर्वोत्तम है? तो अदरक। और क्या है, बटरफल के नाम से किसे जाना जाता है? तो एवोकेडो को। किसको? एवोकेडो को जाना जाता है बटरफल के नाम से। ये सबसे अधिक प्रोटीन व वसा पाई जाती है इसमें। फिर है, कौन सा फल धुएं में रखकर भी पकाया जाता है? तो केला। देखते हैं अगले क्वेश्चन। 1 हेक्टेयर में केला लगाने के लिए जो उसकी शक्कर होती है, जिसे पुत्तियां कहते हो, कि आवश्यकता कितनी होती है? तो 2500 होती है। और पपीते के उद्यान में नर पौधों का प्रतिशत होना चाहिए, तो 10% होना चाहिए। और कुकुरबिट्स की पौध तैयार करने के लिए पॉलीथीन बैग का क्या आकार उपयुक्त होता है? 10x15 सेंटीमीटर का आकार जो है उपयुक्त माना गया है। अगला क्वेश्चन है, सलाद के लिए नर्सरी में बीज बोने का महीना कौन सा माना गया है? सितंबर अक्टूबर माना गया है। परवल में प्रवर्धन होता है तो लताओं की कटिंग से होता है। उसके बाद देखते हैं, मटर के बीज के अंकुरण हेतु उपयुक्त तापमान क्या है? तो 22 डिग्री सेंटीग्रेड होता है। उत्तर भारत में शकरकंद की लताओं को रोपने का जो समय है क्या है? तो जून और जुलाई है। खीरे का उद्भव स्थान भारत है। खीरे का उद्भव स्थान यानी ओरिजिन प्लेस कौन सा है? भारत है। हमारा अगला क्वेश्चन है, जादुई वृक्ष की उपमा दी गई किसको? शुभबूल को। शुभबूल को जादुई वृक्ष की उपमा दी गई है। शुष्क क्षेत्रों का कल्प वृक्ष कहलाता है खेजड़ी। प्राकृतिक संतुलन को बनाए रखने हेतु राष्ट्रीय वन नीति के अनुसार हमारे देश में कितने प्रतिशत भूभाग पर वनों का होना आवश्यक है? तो 33%। पूरे जो हमारा भूमि का क्षेत्र, उसका 33% जो है वन होना चाहिए। इससे हमारा जो इकोलॉजिकल जो सिस्टम है वो जो बैलेंस बना रहेगा। इंडियन गूजबेरी के नाम से जाना जाता है, तो आंवले को जाना जाता है। अब बांस के बीज कैसे होते हैं? तो गेहूं के दाने जैसे होते हैं। कैसे होते हैं? गेहूं के दाने के जैसे होते हैं। इसके बाद देखते हैं हमारा अगला क्वेश्चन क्या है, सिगाटोका किस फल वृक्ष से संबंधित है? तो केले से संबंधित है। वाटर लॉगिंग परिस्थिति का अति संवेदनशील फल वृक्ष कौन सा है? पपीता है। तरबूज में किस प्रकार का लिंग पाया जाता है? तो मोनोसियस पाया जाता है। आम का बौना मूल वृंत है। तोता तोता परी है, रेड स्माल के नाम से जाना जाता है। तोता परी, रेड स्माल। आम, आड़ू, प्लम, खुबानी, चेरी और नारियल के फलों का प्रकार क्या है? ड्रूप है। क्या होता है? ड्रूप होता है। देखते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है, पात गोभी यानी कैबेज में कौन सी मुख्य विटामिन होती है? तो विटामिन सी होती है। कद्दू की कौन सी किस्म कैरोटीन का अच्छा स्रोत है? तो अरका चंदन है। अरका चंदन में कैरोटीन की मात्रा अच्छी देखने को मिलती है। अधिकतम ऊर्जा प्रति 100 ग्राम प्राप्त होती है? तो शकरकंद से प्राप्त होती है। विटामिन B12 का प्रमुख घटक है कोबाल्ट है। और बेल के फल में औषधि गुण होते हैं? तो क्या है, मार्मेलसिन पदार्थ के कारण होता है। इसके बाद देखते हैं, प्रति व्यक्ति प्रतिदिन जो सब्जियों की आवश्यकता मानी गई है 285 ग्राम मानी गई है। स्कॉर्बिक एसिड की सबसे ज़्यादा मात्रा कौन से फल में है? तो आंवले में होती है। विटामिन ए सर्वाधिक पाया जाता है पके आम के फल में पाया जाता है। किस सब्जी में काफ़ी मात्रा में कैल्शियम तत्व तो पाया जाता है? तो मेथी में। रॉयल हॉर्टिकल्चर सोसाइटी गार्डन स्थित है? तो कोलकाता में स्थित है। सिम्स पार्क कहाँ स्थित है? तो कोनूर यानी तमिलनाडु में स्थित है। जापानी शैली में निर्मित उद्यान हैं, वनस्पतिक उद्यान है जैसे दिल्ली है, पब्लिक गार्डन हैदराबाद है और मैजी बाग भिलाई है। अगले क्वेश्चन तरफ देखते हैं, मुगल शैली में निर्मित जो प्रमुख उद्यान है कौन कौन से हैं? पिंजौर है, ये पिंजौर के नाम से जानता है। निशांत बाग है, शालीमार बाग है। वृक्ष लगाने की कौन सी विधि में 15% अधिक पौधे लगते हैं? तो षटभुजाकार, कौन? हेक्सागोनल मेथड। बाग लगाने की कौन सी विधि में 50% पौधे अधिक लगते हैं? तो कौन है, किविनकक्स है। क्या क्या है? किविनकक्स नाम से जानी जाती है। अगले क्वेश्चन की तरफ देखते हैं,
हमारा अगला क्वेश्चन है, दाव कलम की यह वह विधि जिसमें वृक्ष को भूमि की सतह से काट, क्या है, भूमि की सतह से काट दिया जाता है, उसे क्या कहते हैं, ढेरी दाब, क्या है, ढेरी दाब कहते हैं। दाब कलम की वह विधि जिसमें संपूर्ण शाखा को ही भूमि से दबा दिया जाता है, तो खाई दाब कहते हैं, ट्रेंच प्रेस दाबा के नाम से जानता है। और एकांतर फलन का अर्थ क्या है, द्विवार्षिक फलन। एकांतर फलन मतलब समझ लीजिए, जैसे मान लो इस सीजन में फल आया है वृक्षों में, फिर अगले सीजन उन्हीं डालियों पे फल देखने को नहीं मिलता, इसे अल्टरनेट बियरिंग के नाम से जाना जाता है। अमरूद में कौन सा विटामिन पाया जाता है, विटामिन सी पाया जाता है। और अल्टरनेट बियरिंग के लिए मुख्यतः देखा गया है जो आम है सेब है। अगले क्वेश्चन की तरफ देखते हैं, अगला क्वेश्चन है, कच्चे केले को पकाने में कौन सी गैस प्रयोग लाई जाती है, एसिटिलीन। भारतीय कृषि अनुसंधान संस्थान नई दिल्ली द्वारा विकसित आम की किस्म कौन सी है, आम्रपाली है, क्या है, आम्रपाली है। किस व्यक्ति की प्रतिदिन फल सेवन की संस्तुति, एक किस व्यक्ति ने, मतलब एक व्यक्ति को प्रतिदिन अगर फल खाने के लिए जो क्या किया गया है, ICMAR के द्वारा जो अपना एक डाटा दिया गया है, तो 92 ग्राम प्रतिदिन खाना चाहिए, कम से कम कितना, 92 ग्राम। और आभासी या झूठा फल किसे कहते हैं, तो इसको समझ लीजिए, जब फल का विकास अंडाशय के अलावा पुष्प के अन्य भाग से हो जाए, उसे क्या कहते हैं, आभासी या झूठा फल कहते हैं। इसके बाद देखते हैं, अनिषेक फलन क्या है, पार्थेनोकार्पिक फ्रूट क्या है, तो कभी कभी फल का निर्माण क्या है, यज्ञ सेल से बिना निषेचन के हो जाए, यानी विदाउट फर्टिलाइजेशन से यज्ञ सेल यानी अंडकोशिका से हो जाए फल का निर्माण, तो उसको पार्थेनोकार्पिक फ्रूट के नाम से जाना जाता है। मुख्य बेरी फल कौन कौन से हैं, तो पपीता है, केला है, चीकू खजूर है, बेरी है, अमरूद है, ये सब आते हैं किसमें, बेरी जो टाइप्स ऑफ फ्रूट है। पोम फल कौन से हैं, तो नाशपाती है, लोकाट है और सेब है, पोम के नाम से जाने जाते हैं। और हेस्पेरिडियम फल कौन से हैं, संतरा व नींबू वर्गीय हेस्पेरिडियम में आते हैं। सोरोसिस फल कौन से आते हैं, सहतूत है, अनानास है और कटहल आता है इसकी श्रेणी में। इसके बाद देखते हैं, ब्लास्टा फल है अनार, ब्लास्टा फल कौन से किसको बोला जाता है, अनार को। और कैरियोसिस अन्य है कौन, चावल, गेहूं, जौ, मक्का, ये कैरियोप्सिस की श्रेणी में आते हैं। केले की अधिकांश किस्में होती हैं क्या है, ट्रिप्लॉयड होती हैं। गरीबों का सेब कहा जाता है अमरूद को। गरीबों का फल है बेर। और फलों की रानी लीची को। थायमिन की सर्वाधिक मात्रा वाला फल कौन सा है, काजू है। पके अंगूरों में पाया जाता है, तो ग्लूकोज पाया जाता है। सेब की सुगंध किसके कारण होती है, मैलिक एसिड के कारण होती है। आम किस देश का मूलज है, तो इंडो बर्मन है, मूलज मतलब तो समझ लीजिए आम का जो कह सकते हो ओरिजिन प्लेस कौन सा है, इंडो बर्मन है। और सेब के फल में लाल रंग का कारण एंथोसाइनिन है। फिर उसके बाद है, स्पंजी टिश्यू समस्या से आम की किस प्रजाति का निर्यात कुप्रभावित हो रहा है, तो अल्फांसो का। अखरोट में कुल वसा का प्रतिशत 64% मतलब 64.4% होता है, अखरोट में जो फैट परसेंटेज पाया जाता है। आगे देखते हैं, सेब की बगीचे में सर्वाधिक हानि किस रोग से होती है, तो एप्पल स्कैब होता है उसके कारण होती है। सेब को चाकू से काटने पर उसका रंग किसके कारण भूरा हो जाता है, तो एंजाइम के कारण। और फलों में रंग परिवर्तन होता है, तो एंजाइम के द्वारा ही परिवर्तित होता है। छिली हुई सब्जियों को धोने से कौन सा विटामिन नष्ट हो जाता है, तो विटामिन सी नष्ट हो जाता है, और क्योंकि ये वाटर सोलोबुल है, उसमें घुलकर क्या होता है, बाहर चला जाता है। आज के लिए दोस्तों इतना ही। वीडियो अच्छा लगा हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें। जय हिंद, जय भारत।